हमारा जो 4% मुसलमानों का जो रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को ख़त्म करके माइनॉरिटी समाज का जो कोटा है 4% का, वो कट कर कर देना सरासर गलत है, ना इंसाफी है। उन मुसलमान टू बी रिजर्वेशन तरातुरी वंदे दिन यावदे वंदु पूर्व चर्चे इल्लदे यावदे वंदु डिस्कशन इल्लदे अदु कैबिनेट नल्ली वंदु टू बी रिजर्वेशन मुसलमान रद्दु पड़िसुत्तारे। सेक्युलर नाम निहाद पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडरों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के हद तक ही हैं, या असम्बली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ मुसलमानों की बात करने का आप में कुछ सलीखा तो है या नहीं? मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस को वोट देना तो किस बुनियाद पर देना? आज ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाज मुनाकिद किया गया है पूरे कर्नाटका में। SDPI ने पूरे डिस्ट्रिक्टों में अपना एहतजाज दर्ज कराया है, वो इसलिए हमारा जो 4% मुसलमानों का जो रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को ख़त्म करके वक्कलिया समाज को और लिंगायत समाज को दोनों को 2-2% देते हैं। ये BJP सरकार, ये आखिरी जो कैबिनेट मीटिंग होती है इसमें ये लोग पास करके फौरी जो है अब जो है कुर्सी खाली करने का वक्त है, ताकि ये कैबिनेट ये सरकार कोई कामयाबी या कोई काम किसी तबके के वास्ते, ना तो हेल्थ सेक्टर में, ना तो एजुकेशन सेक्टर में, ना तो किसी सेक्टर में भी, सभी सेक्टर में ये फेलियर हो चुकी है सरकार। अब इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करना? मुसलमान एक कौम है, कमज़ोर कौम है, उसके ऊपर जो है ये 4% में निकाले हुए एक इशू बन जाता, दूसरी कौमें खुश हो जाते हैं। इसलिए जो है ये करना कुछ भी नहीं है, ये एक इशू बनाना है। अब ये लिंगायत होंदे, मुसलमान होंदे, वक्कलिया होंदे, ये आपस में लड़ते रहना है। और ये उस दौरान में ये क्या है, ये इलेक्शन अपना इलेक्शन ख़त्म करके उस इलेक्शन को जो है अपनी सरकार फिर से बनाने की तरफ ये जा रहे हैं। और पिछले परसों के दिन, दो रोज़ पहले अमित शाह साहब जो है बसवा कल्याण घोटा में आए, आके जो है अपने BJP सरकार को फिर थपथपाते हैं कि हमारी सरकार ऐसा करी है, कुछ भी नहीं करी आपकी सरकार, था क्या हमारे पास जो करने के वास्ते, जो 4% का जो निकाल के जो आप अपनी फिर थपथपा रहे, वो कुछ भी ऐसा ये नहीं है, होने के वास्ते कुछ भी नहीं है मुसलमानों के पास, था सो एक 4% रिजर्वेशन हमारा। जैसा कि हमारे जमील खान साहब ने बताया 10-11% तेलंगाना में है, हमारे पास 4% है, था सो वो भी जो है निकाल के एक इशू बनाने की कोशिश करें ये BJP सरकार, क्योंकि इनके पास काम करने के लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और अमित शाह साहब जो भाषण करे हैं, जो बयान करे हैं घोटा के अंदर, वो शहीद स्मारक तो बनाना था, उसके जगह एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना था, हमें खुशी होती थी, एक बड़ा जो है मल्टीनेशनल एक बड़ा हॉस्पिटल बसवेश्वर के नाम से ही बनाना था, किसी के नाम से बनाने से नहीं, सहूलत सबको मिलती है, तालीम सबको ज़रूरत है। आप जो है हेल्थ में फेल हो गए और एग्रीकल्चर में फेल हो गए, नौकरियाँ देने में फेल हो गए, एजुकेशन में फेल हो गए, आपके पास आप बचाने के लिए कोई बताने के लिए कुछ नहीं बचा। आप जो है 2023 में ये इलेक्शन के बाद 2024 के तरफ जा रहे हैं आप, हमको साफ नज़र आ रहा है कि हिंदू मुसलमान पे ही आगे इलेक्शन लड़ा जाएगा। मैं इतना कहते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम आज एक मेमोरेंडम देने आए थे, हम आज हुमनाबाद में बिदर डिस्ट्रिक्ट हुमनाबाद से, और हम आज दिए हैं तहसीलदार को, और पूरे कर्नाटक में भी हम एहतजाज का मुजाहरा करते हुए और हम मेमोरेंडम किए हैं हर जगह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बीदर हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र वतियिंद क्षेत्र समिति वतियिंद इवत्तु नावु हुमनाबाद तालूक दंडाधिकारी अंदरे तहसीलदार अवरिगे ओंदु मनवि पत्रवन्नु नम्म पक्षद वतियिंद सल्लिसिद्देवे। एनंदरे 24/3/2023 रंदु
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿದ್ದ ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಹುಮ್ನಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ನೆಲದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ 3-4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಒಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಏನು ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಜ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಬಾ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಜೋ ಮೆಮೊರೋಡಮ್ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೋ ಆಕೆ ಜಮಾ ಹುವೆ ಹೈ. इसका मकसद यह है कि कर्नाटक प्रदेश में चल रही बीजेपी की बुमाई सरकार ने कुछ दिन पहले कर्नाटक प्रदेश में माइनॉरिटी का जो 4% कोटा था उस कोटे को, उस रिजर्वेशन कोटे को ख़त्म करके दूसरी समाज के लोगों में तकसीम करने का काम किया है. इसलिए आज हुमनाबाद शहर में SDPI की जानिब से थ्रो तहसीलदार के गवर्नर ऑफ कर्नाटका को जो मेमोरेंडम पेश किया गया है उसमें ये बात रखी गई है. साथ ही साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आज के इस मेमोरेंडम में SDPI के साथ हमारा यानी कि बहुजन समाज पार्टी का भी आज के इस मेमोरेंडम में सपोर्ट है. इसीलिए आज हम इनके साथ तहसील ऑफिस में शरीक रहकर मेमोरेंडम देने के बाद आप लोगों से बात कर रहे हैं. मकसद ये है कि जो 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटी का ख़त्म करके लिंगायत समाज को 2% और वक्कलिया समाज को जो 2% देने का काम किए हैं, वैसे अभी मैं हमारे आसिफ साहब के ज़ुबानी सुन रहा था कि जो लिंगायत समाज के लोग हैं उन्होंने इस 2% को लेने से एतराज़ किया, यानी कि किसी के मुंह से निकला हुआ या किसी का थूका हुआ हम लेना पसंद नहीं करते. जिसकी एक मिसाल मैं एक छोटे से लतीफ़े की शक्ल में आपके सामने पेश करना चाहता हूं. एक होटल में एक मोहतरमा जाके बैठे और वेटर से कहने लगे कि भाई कुछ चटपटा ला दीजिए. तो वेटर जो है ना फौरन गया, बकरे की तली भुनी हुई ज़ुबान लाके उसके सामने रख दिया और कहा कि ये चटपटा आप जो चाह रही थी वो आपके सामने है. उसने पूछा ये क्या चीज़ है, तो उसने वेटर ने जवाब दिया ये ज़ुबान है बकरे की चटपटी बनाई हुई आपके आर्डर के मुताबिक लाया हूँ. तो उसने कहा पहले इसे उठा लो, मैं किसी के मुंह से निकला हुआ नहीं खाती. तो फौरन वेटर गया और जाकर 4 उबले हुए अंडे ला के उसके सामने रख दिया. तो कहने का मतलब ये है
कि जो समाज जबरदस्ती लेने से इनकार कर रहा है, उस समाज को माइनॉरिटी समाज का जो कोटा है 4% का, वो कट कर देना सरासर गलत है, ना इंसाफी है। उनकी जो है ना पार्शियलिटी बिल्कुल अलानी ये झलक रही है कि एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, एंटी मुस्लिम सरकार चल रही है, बल्कि ये हम लोगों को, आप लोगों को अलाने महसूस हो रहा है। वैसे भी आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि हमारी पड़ोसी रियासत तेलंगाना प्रदेश में, जबकि वो तेलंगाना स्टेट बनकर 10 साल का वक्फा भी नहीं हुआ, वहाँ पर माइनॉरिटी को 11% का रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया गया है। मजीद और वो लोग जो है ना 2-3% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, हो सकता है वो 11% से 14% भी होगा, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार 4% भी देने के लिए बहुत आगे पीछे सोच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की नीयत ख़राब है, सरकार की नीयत सोच है, सरकार बिल्कुल तंग नज़र कोता दिल से काम ले रही है, बिलखसूस मुसलमानों के ताल्लुक से। तो मैं और एक बात, सेकुलर नाम निहाद पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडरों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के हद तक ही हैं, या असम्बली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ मुसलमानों की बात करने का आप में कुछ सलीखा तो है या नहीं? मैं तमाम मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस को वोट देना तो किस बुनियाद पर देना, उनकी क्या अच्छाई को देखकर देना? जबकि हिजाब का मसला आता है तो कर्नाटक प्रदेश के कांग्रेस के सदर माननीय डीके सुकुमार साहब का एक आदेश आता है, कोई भी लीडर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमएलसी इस बात पर डिस्कस ना करें हिजाब के बारे में, और जो है ना आज के इस मुद्दे के बारे में भी कोई कांग्रेसी लीडर इस पर बयान देने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो लोग मुसलमानों के वोट लेना जानते हैं, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी स्कीम का फ़ायदा या किसी चीज़ की भी रिजर्वेशन को मुसलमानों के फेवर में देना या उन्हें मिलना पसंद नहीं करते। लिहाजा मैं तमाम SDPI के नौजवानों का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बड़े अच्छे इश्यूज़ को, जो फ़िलहाल बर्निंग इशू है कर्नाटक प्रदेश में, उसको लेकर आंदोलन किया। उस मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं भी एक पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते मैं भी अपनी पार्टी का पूरा समर्थन, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन आज के इस आंदोलन के साथ है, इसलिए मैं यहाँ आज हाजिर हुआ हूँ। और अभी आगे शायद हो सकता है SDPI के लोग भी इस बात पर चर्चा करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं पर ख़त्म किए देता हूँ। जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज़।